नमस्कार साथियों, जय जय बुंदेलखंड। हमारे महोबा में एक बौद्ध मठ भी है। कहते हैं कि इसको सम्राट अशोक ने बनवाया था, इसकी आधारशिला रखी थी। कल यहाँ पर हमारे उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य जी आए हुए थे और उन्होंने बौद्ध मठ का अवलोकन किया। और महोबा में लेकिन इस बौद्ध मठ के बारे में लोग नहीं जानते थे, बहुत कम लोगों को पता था। और कल जब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी यहाँ आए, तब ये लाइट में आया, तब लोगों को पता चला कि महोबा में एक बौद्ध मठ भी है। ये देखिए, कल इस यहाँ आने के लिए रास्ता भी बना, ये देखिए। नहीं तो पहले यहाँ का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत स्थिति ख़राब थी। ये रातों रात यहाँ का रास्ता बनाया गया, सुगम किया गया, तब उप मुख्यमंत्री जी आए। ये देखिए, होर्डिंग्स लगे हुए हैं बहुत से उनके स्वागत में। आइए अब हम बौद्ध मठ के अंदर चलते हैं और बताते हैं आपको बौद्ध मठ के बारे में। ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है यहाँ, सम्राट अशोक महान द्वारा निर्मित प्राचीन बौद्ध मठ और हरदिया कुआं महोबा। ये देखिए बौद्ध मठ है। आइए अब हम अंदर चलते हैं बौद्ध मठ के। ये है देखिए बौद्ध मठ, चलते हैं हम लोग। ये यहाँ भी एक बोर्ड लगा हुआ है, केले के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ। अरे यार, उसे थोड़ी बांध दो, गिर गए। एक मठ में प्रवेश करते ही यहाँ पर सुंदर पेड़ लगे हुए हैं। ये देखिए एक बोर्ड और लगा हुआ है, एक केले के पेड़ लगे हुए हैं। और ये रास्ता है, इधर भी बढ़िया फूल के पेड़ लगे हुए हैं, आंवला लगा हुआ है। ये सब बौद्ध मठ। ये देखिए, ये बौद्ध मठ है, बहुत ही इसका लगता है जीर्णोद्धार किया गया है, इसको संवारा गया है। चारों ओर से इसके बढ़िया पेड़ लगाए गए हैं, जिसने भी लगाए हैं, ये एक अच्छा काम हुआ है, अच्छा सुंदर लग रहा है ये पूरा क्षेत्र। ये देखिए, अभी कुर्सियाँ वगैरह भी पड़ी हुई हैं, सब कुछ यहाँ भी रखा हुआ है। और ये सब सामान, कूलर सब रखे हुए हैं, पंखे, ये इस बात के प्रतीक हैं कि कल उप मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, अभी ये सामान नहीं उठा है। आइए अब हम चलते हैं मठ के अंदर, आपको दिखाएं क्या है वहाँ पे। जय हो, ओम नमः शिवाय, जय हो। ये देखिए मठ का गेट है, ओम नमः शिवाय। ये यहाँ का परिसर है। ये यहाँ पर भी एक जो है भगवान बुद्ध की एक मूर्ति रखी हुई है, सुंदर सी। पेड़ के नीचे पीपल का पेड़ है, उसी के नीचे रखी हुई है। और ये उनका पत्थर, कल मौर्य जी का, उप मुख्यमंत्री जी का पत्थर यहाँ लगा हुआ है। ओम नमः शिवाय, जय हो। ये देखिए, चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान द्वारा निर्मित प्राचीन बौद्ध मठ एवं बौद्ध विहार, ये लिखा हुआ है। आइए अब हम अंदर चलते हैं मठ के, देखते हैं अंदर क्या है। ये देखिए, स्वामी जी बैठे हुए हैं। ये भगवान बुद्ध की एक बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा यहाँ पर सुसज्जित स्थापित है। और सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान की तस्वीर। स्वामी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धम्म प्रकाश है। धम्म प्रकाश जी। अच्छा, इस
बौद्ध मठ के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये बौद्ध मठ सम्राट अशोक महान के द्वारा बनाए गए 84,000 स्तूपों में से एक है जी। और ये पहले खंडहर पड़ा हुआ था यहाँ पर जी, फिर कुछ लोगों ने देखा है तो इसको मतलब जीर्णोद्धार कराना चाहा। हाँ हाँ, तो फिर उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया जी, और ये वर्तमान में इस रूप में सामने है। अब कितने साल पहले जीर्णोद्धार हुआ इसका? ये जब पहला लॉकडाउन हुआ था 2020 में जी, उसी लॉकडाउन के दौरान हुआ। अच्छा, उस समय इसमें काम लगा जी। तो पहले जो खंडहर पड़ा हुआ था उसका पहले आकलन किया गया होगा कि ये कितने पुराना है, कैसे जी? इसकी एक ईंट भेजी गई थी। अच्छा, आर्कियोलॉजिकल लैब लेबोरेटरी में। अच्छा, वो तो उन्होंने टेस्ट करके बताया था कि ये 2300 साल से ज़्यादा पुरानी है। 2300 वर्ष से ज़्यादा पुरानी जी। अच्छा, और 2300 साल पहले सम्राट अशोक का शासन था जी जी, तो इससे सिद्ध होता है कि ये सम्राट अशोक के द्वारा बनवाए गए स्तूपों से। जी जी जी, अच्छा चलिए, तो इसमें ये तो वाकई महोबा के लोग इसको नहीं जानते थे जी। महोबा में इतना पुराना और बौद्ध मठ है, ये यहाँ के लोगों को नहीं पता था, हम लोगों को भी नहीं पता था, और ये तो कल ही हम लोगों को मालूम चला, और वाकई एक दुर्लभ चीज़ है। या इसका मतलब ये होता है कि बुंदेलखंड में बौद्ध धर्म की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा रही हैं, उनका प्रभाव जी, रहा जी, है जी, जी, जी। क्योंकि जैन धर्म का प्रभाव तो दिखता है, उनके तमाम यहाँ पे जैन तीर्थंकर हैं और कई मठ बने हुए हैं जी, जी। पर बौद्ध लोगों का मठ कोई पहली बार प्रकाश में आया है जी। कहीं और महोबा के अलावा भी इस तरह से है? सीबी मार साहब ऐसा बताते हैं कि उन्होंने कई जगह चिन्हित की हुई हैं कि जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अच्छा, और बौद्ध के अवशेष भी वो मिले हुए हैं, कुछ बुद्ध भगवान की प्रतिमाएं भी गड़ी हुई हैं। अच्छा, तो ऐसा लगता है कि ये बुद्धिस्ट केंद्र रहा है यहाँ पर। अच्छा, चंदेलकालीन राजाओं के ज़माने में जी, जब खजुराहो के मंदिर बने हुए थे उसी समय यहाँ भी बौद्ध धर्म का भी प्रभाव था, प्रभाव ऐसा लगता है। हाँ, क्योंकि अगर सम्राट अशोक ने जब इसको बनवाया होगा 84,000 में एक, तो इसका मतलब कभी वो आए भी होंगे जरूर यहाँ। ये आए होंगे और फिर यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं ने साधना की होगी, यहाँ पर मठ बने रहे होंगे और मोनेस्ट्री बनी रही होंगी जी, रहने की, तो यहाँ पर रहते होंगे और अपना साधना करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, समय के साथ ये जरूर हुआ कि फिर बाद में कालांतर में की हाँ हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। आओ अजय भाई, कौन सा? हाँ, पेड़ लगाया था, वो पेपर में था, उन्होंने एक पेड़ लगाया चंदन का। कौन सा बेटा पेड़ लगाएगा? चंदन का।